For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. Thank you. क्या feelings थी राजकुमार जब तक आपको फोन आया और पता चला यार किस कैसे पता चला? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि already सुबह इतने अच्छे reviews आ गए थे फिल्म के और कल ही अभी ऑस्कर के लिए यू नो इंडिया की तरफ से जाएगी फिल्म तो इट वाज अ डबल सेलिब्रेशन फॉर अस हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट इट वाज टू बिग एंड अमित अब वो मेहनत दिमाग में आती है जो दो साल पहले आपने की थी और फाइनली वो देश के साथ-साथ विदेश के भी स्तर पर जाने का हां बहुत मतलब अभी एक खुशी हो रही है कि ये डिस्ट्रीब्यूट इतने अच्छे तरह से की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पा रहे हैं इंडिया में इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे आए हैं और अभी ये जो ऑस्कर की न्यूज़ आई इंडिया ऑफिशियल एंट्री की तो इसके वजह से अब ज़्यादा लोग अभी देखने के लिए क्यूरियस हैं वो जाएंगे थिएटर हॉल में देखने के लिए किस तरीके से आगाज़ हुई थी न्यूटन थोड़ा वो भी बताएं क्योंकि हमने सुना है उसकी कहानी थोड़ी दिलचस्प न्यूटन मैं अमित को बहुत पहले से जानता हूँ सिंस माई फर्स्ट फिल्म एलएसडी ही वॉज डूइंग द मेकिंग ऑफ दैट फिल्म मैं हमेशा से इनको बहुत पसंद करता था इनकी पहली फिल्म सुलेमानी कीड़ा को भी बहुत अप्रिसिएशन मिला था एंड देन वन डे मनीष मुंद्रा आर प्रोड्यूसर एक्चुअली ही कॉल्ड मी ही टोल्ड मी अबाउट द स्टोरी एंड ही टोल्ड मी दैट अमित वुड बी डायरेक्टिंग सो आई वाज एनीवेज थ्रिल कि मनीष बना रहे हैं तो सेंसिबल होगा ऊपर से अमित हैं तो ऑफकोर्स काफ़ी सेंसिबल स्टोरी होगी फिर मैंने जब कहानी पढ़ी तो आई फाउंड इट वेरी यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट थी कहानी जिस बारे में बात कर रही थी वो एक अभी तक कहा नहीं गया उसके बारे में और एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी थी फिल्म में सो आई थॉट इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन ऐसी बहुत कम स्क्रिप्ट आती हैं एंड देन ही टोल्ड मी कि हम लोग को छत्तीसगढ़ के जंगल में शूट करना है लाइक अमित आर यू श्योर लाइक यू नो मुझे थोड़ा सेंसिटिव एरिया हम सबको पता है बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट हम लोगों ने वहाँ जो शूट किया और जो रियलिज्म आया है वहाँ की लोकेशन ने जो हेल्प की है फिल्म में वहाँ के लोगों ने जो हेल्प की है बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया लोकेशन ने हमारी फिल्म में I think after a very long time. Yeah, usually it's fraught with controversy. Yeah. But this time around it seems to be unanimous. That must be a big thing. Because Newton is our ideal hero. You know, I think Newton is our superhero. He's the real superhero. We need people like Newton in our society, in our system. But were you hopeful of this nomination? Because a lot of times, really popular film goes and though you all are doing really well at festivals, not usually the usual choice. Question to? Anyone. All of you, okay. All of you. You answer. No, I didn't even know that they had applied, you know. So yesterday morning I got a call from a journalist saying that this is the news, you know. So I was like thinking it's a rumor. So I said, let me check. So I called up to check and nobody in our office knew about this. So then more and more calls started coming and then I still haven't checked it. So I'm just... Rajkumar, aapse sawal hai ki jab aap Mumbai aaye the hero banne. एक्टर बनने तो जब चीजें जब शुरुआत में चल रही थी या फिल्में कर रहे थे कभी ऐसा लगता था कि कहाँ आ गया हूँ क्या कर रहा हूँ नहीं नहीं मैं तो काफ़ी पहले से डिसाइड कर लेता मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है सिंस माय स्कूल डेज और पता था कि अगर हिंदुस्तान में एक्टर बनना है हिंदी फिल्मों में तो मुंबई ही आना है तो हमेशा से तैयार था मैं इसके लिए बट आई ट्रेन माई सेल्फ आई गॉट ट्रेनिंग इन एक्टिंग एट FTI आई डिड थिएटर फॉर 3 years सो आई केम हेयर क्वाइट प्रिपेयर्ड पर ऑफकोर्स बहुत ही अलग सिटी है अभी भी लाइक आई स्टिल फील लाइक यू नो दिस क्यूरियस किड फॉर होम लाइक सिनेमा इज दिस सररियल पैरेलल ग्लैमरस वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट आई एम स्टिल लिविंग इन दैट ड्रीम सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो सीन का नाम जो बना दिया गया है और जो है फिल्म को वाइड रिलीज दी गई है और कनेक्शन कितना है हमको यू नो वहाँ पे जाके अपनी स्ट्रैटेजी लोगों को अवेयर कराना है फिल्म के बारे में लोगों को फिल्म दिखानी है तो ऑफ कोर्स खर्चा भी बहुत होता है आई एम श्योर न्यूटन भी कमाएगी पर सरकार से भी आ रहा है तो अच्छा है आपको पता नहीं था
नहीं पता था, आज सुबह मैंने पढ़ा, मुझे कल मुझे अथॉरिटीज से कॉल आया था, उन लोगों ने मुझे बताया और उन लोगों का बहुत सपोर्ट है हमें, पूरा गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट है. उन्होंने कहा वी रियली वांट यू गाइस टू यू नो गो एंड रिप्रेजेंट इंडिया एंड मेक मेक आवर कंट्री प्राउड. 2017 को आप किस तरीके से याद करना चाहेंगे, जनवरी से अभी सितंबर? इट्स अ वेरी एक्साइटिंग ईयर फॉर मी एंड आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ माई करियर. बहुत अलग तरीके की फिल्म्स आई हैं, बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स आए हैं और ज़्यादातर सब लोगों ने पसंद किए हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ एक जैसा नहीं आया है, बहुत ही अलग लग रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ईयर. आई होप यू नो हर साल ही 2017 बन के आए मेरे जीवन में. इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट दो आई रियली डोंट थिंक सो आई एम इवन दिस क्लोज टू बीइंग नसीरुद्दीन शाह. आई थिंक वी हैव ओनली वन नसीरुद्दीन शाह एंड आई लव नसीर सर. आई थिंक वो हम सब उनसे बहुत सीखे हैं, अभी भी सीख रहे हैं. ही इज माई सीनियर फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल. इट्स ओवरवेलमिंग. आप सभी से ये सवाल है कि ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिलने के बाद जो अलग तरह की फिल्में बनती हैं उन फिल्म मेकर्स का और इवन दर्शकों का नजरिया जो है इस तरह की फिल्म को लेकर बदलेगा? वेल आई एम वेरी होपफुल. यू नो हम लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं दैट सिनेमा बदल रहा है, सिनेमा बदल रहा है. बट आई थिंक दिस ईयर स्पेशली वी हैव विटनेस दैट येस सिनेमा इज फाइनली चेंजिंग. यू नो कॉन्टेंट हैज फाइनली बिकम द किंग एंड पीपल वॉन्ट टू सी स्टोरीज ऑन स्क्रीन नाउ एंड दे वॉन्ट टू सी एक्टर्स प्लेइंग कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन नाउ रादर देन प्लेइंग देमसेल्व्स. एंड न्यूटन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट. आई थिंक द काइंड ऑफ कलेक्शंस वी हैड ऑन डे वन एंड नाउ हाउ एज यू नो नंदू सर वाज सेइंग दिस सो मच ऑफ डिमांड दैट पीपल वॉन्ट टू सी न्यूटन ऑन स्क्रीन नाउ. सो इट्स अ ग्रेट चेंज, इट्स अ वेरी वेलकम चेंज. बहुत चेंज हो गई और उनके एपेटाइट टू एक्सेप्ट न्यू सिनेमा हैज रियली चेंज्ड. अभी कोशिश है और नेक्स्ट लिखने की. सबसे मुश्किल प्रोसेस है लिखना क्योंकि इसमें मतलब मैं मेंशन करूंगा मेरे को राइटर मयंक तिवारी जो मेरे साथ लिख रहे थे, हमने मतलब बहुत मेहनत की है लिखने में, तब जाके स्क्रिप्ट बनी जो हम इन्हें दिखा पाए. उसके बाद वापस लिखना, अभी लिख रहे थे सेट पर भी लिख रहे थे. तो लिखना कभी ख़त्म नहीं होता है, तो कोई भी बाउंड स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास. अभी वो शुरू करना पड़ेगा जो भी पुरानी कहानियाँ हैं या अभी नई कहानियाँ हैं. तो अभी यही प्रयास है कि अभी कोई नई कहानी बनाऊँ तो मैं दूसरे राइटर्स को भी मिल रहा हूँ, मयंक भी कुछ लिख रहा है, मैं भी कुछ लिख रहा हूँ, तो प्रोसेस चालू है. Let's have a Newton where you have all of them, you know. बहुत सारे लोगों के फोन आए. आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव. सब लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, सब लोगों ने अपना बहुत प्यार दिखाया न्यूटन को. एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू नो इंडस्ट्री कम्स टुगेदर. जब एक अच्छी फिल्म को नो गवर्नमेंट भेजती है ऑस्कर में और सबका उसमें साथ होता है. आई थिंक न्यूटन इज़ प्रॉब्ली नो एज शी वॉज सेइंग आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स ऐसी कोई फिल्म आई है जिसमें सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ इट्स वर्थ वाइल. जी अमित जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो भी मुझे प्यार करते हैं. हम सब अमित जी को बहुत प्यार करते हैं. आई थिंक ये उनका बड़प्पन है कि वो यू नो हम यंगस्टर्स को, हम सब एक्टर्स को अपना प्यार दिखाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं. इट्स वेरी एनकरेजिंग. ये पिक्चर अभी उतरेगी नहीं सिनेमा से, एक लाइन में मैं आपको बोलता हूँ, ये चलते जाएगी. आई वुड लाइक टू ऐड के हिरोज, कलर येलो, ऋषम, अमित, राजकुमार, आनंद जी, वी ऑल सुपर थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड अबाउट द नॉमिनेशन ऑन द ऑस्कर एंड द रिजल्ट ऑफ द फिल्म. आई मीन एक्सेलेंट एक्सेलेंट. सर पिक्चर अच्छी इतनी अच्छी थी तो हमने मंडे क्या संडे भी दिखा सकते थे. वी वॉन्टेड द वर्ड टू स्प्रेड मच बिफोर. आई मीन वी वॉन्टेड पीपल टू नो एंड बी अवेयर ऑफ द फिल्म के वॉट दिस फिल्म इज. That was the intention. All the films that have presented India to Oscar, which have been your favorite? Oh, I really like Salaam Bombay. I'm a big fan of Salaam Bombay. And Lagan, of course, but Salaam Bombay is my personal favorite. And now makers are ready to make whatever you demand. Really, are they? Okay. Yeah, my team, please, please, yeah, demand as much. See, for me, money is something that I don't really think about. I didn't want to become an actor because I wanted to earn a lot of money or I was looking for fame. I genuinely love being in front of the camera. This is second, but first when I'm acting.
But I think I have my team who takes care of money part, so I don't really dwell into when it comes to finances. Yes. Yes. उम्मीद काफ़ी है क्योंकि न्यूटन जो ऐसी फिल्म है वो उसका ग्लोबल अपील बहुत ज़्यादा है, बहुत ही यूनिवर्सल है. आई थिंक यही कारण है कि बर्लिन जैसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में उसको ना अवार्ड मिला, हांगकांग में अवार्ड मिला. बिकॉज हर कंट्री में करप्शन है, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, तो हर कोई न्यूटन की जो अपनी प्रॉब्लम है उसको अपनी प्रॉब्लम से कनेक्ट कर लेता है. तो अब वी आर वेरी होपफुल कि न्यूटन जो है वहाँ के लोगों को भी उतनी पसंद आएगी जितनी यहाँ पर पसंद आ रही है. थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you, sir. Congratulations.